ಶೇಡಂದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಶೇಡಂದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಠಲ್ ಹೆರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಠಲ್ ಹೆರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಕೋಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಕೋಲಿ आज के दिन गुलबर्गा जिले का सेडम तालुका में जो 17 तारीख दिसंबर में रविवार के दिन होने वाला एक कोली समाज का स्वाभिमान समावेश, हमारे कोली समाज के महान नेता, कर्नाटक के महान नेता कोली समाज का विट्ठल हेरूर जी, जिनका पुण्य स्मरण 10वीं साल हमारे से अलग होके 10 साल गुजरते हुए 10वीं पुण्य स्मरण हम लोग ने कर रही है, जो विट्ठल हेरूर जी का पुण्य स्मरण है उसके निमित्त हमारा कोली समाज का स्वाभिमान समावेश वहां पर शेडम में चल रही है। 17 तारीख के दिन रविवार के दिन जो मेडिकल मिनिस्टर श्याण बरसप्पा पाटिल और हमारे गुलबर्गा जिला का उस्तुवारी मिनिस्टर प्रियंका खरगे जी और शिवराज तंगड़गी और मांकाल वैद्य, ऐसे सचिव लोग वहाँ पर उस दिन आने वाले हैं। और हमारे गुलबर्गा, यादगिरी, रायचू, बीदर, बीजापुर, यहाँ चार चार जिले से और कर्नाटक में कोई कोई मुखंड नेता लोग वहाँ पर आने वाले हैं। 17 तारीख के दिन जो कर्नाटक में कोली समाज तकरीबन 38 नामों से जाना जाता, कोली, कब्बलिगा, अंबिगा, बेस्ता, ऐसा टोटल 38 नाम से कर्नाटक में कोली समाज को बुलाते। ये जो कोली समाज के लोगों को कर्नाटक में जागृत किया सन्मान्य विट्ठल हेरूर जी, हमारे ऊपर जो नाइंसाफी होता था उसको रोक करने वाले कोई लीडर है वो विट्ठल हेरूर जी, और हमारे जो हक मिलना था सरकार से वो हक के लिए अपने प्राण त्याग करके भी उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया। जैसे महान नेता जिनके 10 साल हो गए हमारे से गुजर के, उनके जो बताए हुए रास्ते में चलने के लिए हम लोग ये समावेश रखा, जो समावेश में इस समाज का संगठन, इस समाज के लिए जो हक चाहिए, सरकार जो जो वादा किए थे, पिछले गए हुए सरकार जो वादा किए थे, और हमारे लिए कोई हमारे एसटी, ये कोली समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज, हर तौर पर सरकार से हर एक स्थिति पर अन्याय होने वाला, सहने वाला कोई है तो आज कोली समाज है। इसलिए हम लोगों को एसटी चाहिए, और हमारे जो लोग का काम क्या है, हम लोग क्या करेंगे, आगे कैसे चलेंगे, जो विट्ठल हेरूर जी क्या बताए थे, ये सब वहाँ पर चर्चा में आते हैं। और हमारे लोग के लिए वहाँ पर हजारों लोग वहाँ पर जमा हो रही है, एक बड़ा समावेश शेडम में 17 तारीख होने वाला है, जिस समावेश में यहाँ से जिले से बहुत लोग, कर्नाटक से बहुत लोग वहाँ पर वो कार्यक्रम में आके वो कार्यक्रम सक्सेस करना बोल के हम आपके तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार।